हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल महुआ गाछी ग्रीन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप देवघर आए हुए हो और बाबा का दर्शन कर लिए हो और आपके पास टाइम है और टाइम सस्पेंस करना चाहते हो, मतलब टाइम बिताना चाहते हो, तो आप कहां पर देवघर में घूम सकते हो? तो नंदन पहाड़ है, इधर देख सकते हो दोस्तों, यह जो पहाड़ है वह नंदन पहाड़ है। आप नंदन पहाड़ आ सकते हो। देवघर जो बाबा मंदिर है वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप नंदन पहाड़ आइए और यहां आप ऑटो से आ सकते हो। ऑटो वाला जो है वह 50 रुपया में रिजर्व कर लेगा। अगर पर सवारी आते हैं तो वही सवारी 20 रुपये लेता है, लेकिन सवारी में आता नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोग यहां आते हैं। तो आप नंदन पहाड़ आ सकते हो, यहां से पूरा देवघर का व्यू मिलता है दोस्तों। तो आप नंदन पहाड़ आइए और यहाँ आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हो, क्या क्या देखने को मिल सकता है, और सभी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में आप बने रहिए और चलिए मेरे साथ नंदन पहाड़ घूमते हैं। सामने देख सकते हो, यही है ऊपर जाने का पूरा, जो वो दोस्तों देख रहे हैं वह सब नंदन पहाड़ में ही है। और पूरा देवघर यहाँ से दिखता है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा पूरा देवघर। इतनी ऊंचाई पे है, फिलहाल हम लोग चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते हैं या फिर दोस्तों ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो आपको बताते हैं। दोस्तों देख सकते हो, यही है मेन गेट नंदन पहाड़ पर्यटन केंद्र, और यहाँ पे टिकट घर है, ये 10 रुपये टिकट मिलता है, देख सकते हो 10 रुपये टिकट। यहाँ से लेकर के आप अंदर जाइएगा, फिर अंदर आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों हम लोग ये टिकट लिए हैं, 10 रुपये का टिकट पड़ा है, इधर देख सकते हो, और इस गेट से ही एंट्री लिए हैं। इस गेट से एंट्री लेते ही दोस्तों इधर आप देख सकते हो नंदी बाबा का प्रतिमा, यह जो प्रतिमा है वह नंदी बाबा का है, प्रतिमा हो गया। और सामने से दोस्तों हम लोग एंट्री ले रहे हैं, और देखिए भैरव बाबा सोए हुए हैं, नंदी बाबा का प्रतिमा हो गया, भैरव बाबा सोए हुए हैं। और चलिए दोस्तों, ये गार्डन जो है दोस्तों देख सकते हो कितना सुंदर जो है यह बनाया हुआ है। सामने आप बैठ भी सकते हो, इधर हो गया उधर हो गया। और यहाँ से देखिए दोस्तों देवघर की जो शहर है वो यहाँ से आप देखिए दोस्तों। यही नहीं, एक जगह और स्पॉट है दोस्तों, वहां पर ले चलता हूँ, पूरा देवघर वहां से दिखाई देता है। इधर इधर देख सकते हो दोस्तों शिव जी का जो है प्रतिमा इधर बना हुआ है, देख सकते हो। और जस्ट इधर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग दोस्तों अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा दोस्तों नंदी पहाड़, देख सकते हो क्या खूबसूरत गार्डन है। यार मंकी, गांधी जी का 3 बंदर है, लेकिन यहाँ पे 2 ही बंदर दिखाया गया है, देख सकते हो। उधर झूला वगैरह जो है दोस्तों लगा हुआ है, आप देख सकते हो। उधर मछली घर है, मछली घर में भी चलेंगे। और इधर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ है, नाइट में फाउंटेन भी चलती होगी। और जस्ट इधर दोस्तों है भूत जैसा कुछ बना हुआ, इधर देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, यहाँ पता चला है कि यहाँ भूत घर भी है, तो भूत घर में भी चलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है। इधर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है नंदी पहाड़, स्लाइडिंग वगैरह सब है, इधर झूला वगैरह लगा हुआ है। इधर भूत घर भी है दोस्तों, दोस्तों देख सकते हो नंदी पहाड़ पर भूत घर बना हुआ है। अंदर का अगर वीडियो हो गया तो मैं अंदर का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। और 2 रुपया एंट्री फी है, 2 रुपया इसको देता हूँ और अंदर जाता हूँ। ये
देख सकते हो दोस्तों, तालाब भी है, एक झील भी है। देख सकते हो इधर हो गया भूत घर, उधर भी चलेंगे, इधर झूला हो गया और सामने कैंटीन भी है। कैंटीन वगैरह सब में आपको मैं ले चलता हूँ। इधर दोस्तों देख सकते हो इधर कैंटीन वगैरह भी है, इधर कैंटीन हो गया और इधर देख सकते हो देवघर का पूरा व्यू जो है, रेलवे लाइन है, सभी चीज है दोस्तों, सब देख सकते हो। रेलवे लाइन हो गया और भूख, और इधर शौचालय भी है दोस्तों, उधर भी आप जा सकते हो। इधर कैंटीन हो गया, इधर पार्क है, छोटा सा पार्क है दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आप पूरा देवघर सिटी एंजॉय कर सकते हो। और शाम में आते हो दोस्तों तो मजा आ जाएगा। यहाँ भी दोस्तों कैंटीन है, आप देख सकते हो यहाँ भी जो है कैंटीन है। पूरा देवघर यहाँ से दिख जाएगा। इधर है दोस्तों मछली घर, तो चलिए दोस्तों हम मछली घर की ओर चलते हैं। इधर दोस्तों यह है मछली घर, 2 रुपया शुल्क है अंदर जाने का। अंदर देखते हैं, यहाँ से भी पूरा दोस्तों आप पूरा देवघर सिटी का एंजॉय ले सकते हो। ये रहा मछली घर, तो बंद है मछली घर में ताला लगा हुआ, नहीं तो अंदर से भी हम आपको मछली घर दिखला देते। 2 रुपया फी है दोस्तों, आप भी आ सकते हो। दोस्तों मैंने आपको ये नंदी पहाड़ दिखाया हूँ, यहाँ दोस्तों छोटा सा पार्क है, पहाड़ी के ऊपर है। यहाँ आइएगा दोस्तों तो पूरा देवघर आपको देखने को मिलेगा, पूरा देवघर सिटी जो है यहाँ से दिखाई देती है, यह बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों यहाँ भूत घर भी है, बच्चे के लिए है, कोई खास नहीं है उसमें, 2 रुपया एंट्री फी है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। मैंने शूट किया हूँ, दिखा दूंगा, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है उसमें, और बच्चे लोग लेकिन डर जाएंगे, बच्चे लोग जो है वो तो डर जाएंगे, लेकिन हम कैसे डर जाए नहीं डर पाए हैं। और बात किया जाए तो झूला जगह जगह पे है लगा हुआ, और बस यही है यहाँ देखने के लिए। 10 रुपया आपको मेन गेट पे लगेगा और 2 रुपया आपको लगेगा जो भूत घर है वहाँ, 2 रुपया मछली घर है वहाँ। अगर मछली घर खुला रहेगा तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। ये क्या है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। दोस्तों नहीं पता ये क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्या है। तो बस यही था, चलिए दोस्तों आगे फिर चलते हैं। और कुछ मिलता है दोस्तों यहाँ, झूला वगैरह है, सब पैसे पे है, पैसा दीजिएगा तो झूला वगैरह चालू होगा। अगर आपको देवघर में आए हो, बाबा का जल ढारे हो और टाइम हो दोस्तों, बहुत आपको गाड़ी में बहुत टाइम हो, तो यहाँ आकर के आप 2-4 घंटा टाइम बिता सकते हो, क्योंकि टाइम बिताने का अच्छा जगह। हम यहाँ पे 6 घंटा टाइम बिताए हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वह रात में 10 बजे है, तो 6 घंटा यहाँ पे टाइम हम बिताए हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हो पीछे झुलवा भी है, जगह जगह कैंटीन वगैरह भी खुला हुआ है, पानी बोतल ये भी आप ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक सभी चीज मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार, मोहागा छिकरी, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ दोस्तों, अब जो है वह वीडियो रेगुलर आएगी, तो चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि अब हम रेगुलर वीडियो पोस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।